हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर यानी कि अवकल समीकरण चैप्टर, जो एक्सरसाइज हम लोगों का चल रहा था 9.5। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने आपको पूरा फुल डिटेल्स में आपको बताए थे, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से कि कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल, यानी आज का जो पहला नंबर सवाल है वो 6 नंबर है कि x dy माइनस y dx बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dx। सबसे पहले आपको प्रयास क्या करना है, इसको y बटा x के रूप में लिख देना है, या आप चाहे तो पहले dy बाय dx निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको dy बाय dx निकालते हैं। तो सबसे पहले सोच लीजिए आपको निकालना है dy बाय dx, बट देखिए यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी dx है और dy एक जगह है, तो आप पहले क्या कीजिए x dy लिख लीजिए और ये माइनस में y dx है ना, इसको आप इधर भेज दीजिए। तो लिखिए प्लस y dx और प्लस के बाद ये वाला रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx। उसके बाद आप क्या कीजिए ex dy by dy छोड़ दीजिए, ये दोनों में से ना आप देखिए कुछ मिल रहा होगा, dx से dx आप कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए dx इसको कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा y प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से अब आप आसानी से चाहे तो dy by dx लिख सकते हैं, क्योंकि आपको dx यहाँ मिल रहा है तो dx को आप बटा में कर सकते हैं, तो dy by dx बराबर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, गुना में x तो कहा जाएगा, बटा में इस तरह से लिख सकते हैं y प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में x। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 यहाँ से मान सकते हैं, और ये जो फॉर्म है ना y बटे x के रूप में इसको लिख सकते हैं, और अगर मान है तो y बटे x के रूप में कैसे लिखे यह भी आप कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप डायरेक्ट y का मान vx भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में ही बताते हैं इसको, और आगे पहले बढ़ा लेते हैं तो आगे बताएंगे। dy by dx बराबर इस समीकरण 1 ना मान के इसको आगे पहले बढ़ा लेते हैं, इससे x में भाग दे दीजिए, तो y बटे x प्लस इसमें भी भाग दीजिएगा तो क्या आएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बट्टा में x, ठीक है। ये बात आगे बढ़ाते हैं, देखते रहिएगा dy by dx बराबर ये y बटा x तो आ चुका है, बट ये सब जो है y बटा x के रूप में नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, ये गौर से देखिए ये रूट में है और ये रूट से बाहर है, अगर इसको रूट के अंदर करेंगे तो x रहेगा कि x स्क्वायर रहेगा, थोड़ा सा बताइए। तो अगर रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर लिखेंगे, तब ना रूट से बाहर निकलने के बाद ये को x आएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये वाला प्रोसेस क्या आप लोग भी समझ में आया, क्योंकि रूट से अगर ये बाहर निकलेगा तो फिर ए गो एक्स आ जाएगा। तो इससे फायदा यह होगा बुआ साहब, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, फायदा यह होगा कि आप इसमें ही भाग दे सकते हैं और इसमें ही भाग दे सकते हैं। तो गौर से देखिए इधर ही लिखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं dy by dx बराबर, देखिए ये तो y बटा x के रूप का आ चुका है, तो y बटा x प्लस इसमें जब भाग दीजिएगा ना ये तो कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और इसमें भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर वन प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और जब समीकरण 1 मान के देख रहे होंगे कि आपको y बटा x के रूप में यह फलन दिख रहा है, तो जैसे ही आपको बताया था कि y बटा x के रूप में दिखे, तो आपको बताया था पुट करने के लिए कि y बटा x को होगा क्या मानिएगा, भी मानिएगा, और आपको यह भी बताया था कि इसे आप क्रॉस गुणा करके y बराबर क्या लिखेगा vx, और इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा u इनटू v पर, तो लिखिएगा dy by dx बराबर क्या लिखते हैं v प्लस x dv by dx, और इसको आप समीकरण 2 मानते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ तक मेरा बात याद है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जब बताए थे तो आप लोगों को पूरा फुल डिटेल्स में बता रहे थे, यहाँ पर भी हम आपको पूरा डिटेल्स में ही बताएंगे, बस थोड़ा सा आप लोगों अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये तो आप लोग समझ में आ गया कि y बटा x क्यूब के रूप में लाने का प्रयास कीजिएगा, और अगर मान होगा कि यहाँ तक छोड़ने का आप लोगों को
तो यहाँ तक भी आप समीकरण एक मानकर y का मान vx डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको y बटे x के रूप में लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको दिखे कि y बटा x के रूप में बोगा सा हो जाए तो आप y बटा x को आप v मान लीजिएगा और उससे y बराबर vx लिखिएगा, इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये समीकरण 2 मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको करना क्या है, ये जो dy / dx का वैल्यू जो आया है इस मान को आपको समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। तो रखने के लिए हमको मिटाना होगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको थोड़ा सा इधर से मिटा देते हैं ये साइड से और इसी को हम लोगों को बनाना है। गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। देखिए यहां पर हमको मान रखना है, गौर से देखिएगा हमको क्या रखना है, v plus x dv by dx, तो लिखते हैं समीकरण एक से, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो गौर से देखिए ये आपके पास dy by dx है ना बुआ सर, तो देखिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक यही है आप लोगों का। तो क्या कीजिए, इस dy by dx के जगह ना आप ये वाला मान रख दीजिए, तो देखिएगा b plus x dv बटा dx बराबर के बाद देखिए ये क्या है, y बटे x है ना बुआ, और y बटे x को आप क्या माने थे, v, तो लिखिएगा v प्लस, उसके बाद ये रूट अंडर क्या है, रूट अंडर वन के वन प्लस, और ये क्या है y by x का स्क्वायर है, इसका मतलब आप क्या लिखेगा, v का स्क्वायर। यहां तक सही है, अब आगे क्या कीजिएगा, सोचिए v से भी तो बेचारा कट गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा कटने के बाद क्या बचा, x dv by dx बराबर, एक बार फिर से आपको बता दे कि पहले हम इस dy / dx का मान तो इतना रख दिए बस ना, v + x dv / dx, यहां पर राइट साइड में देखिए ये y / x है और y / x किसके बराबर, v के बराबर, और यहां पर 1 के 1 प्लस, और y / x को आप देख लीजिए v माने थे तो यहां पर v का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वहां पर स्क्वायर है। अब आगे देखिए क्या बचा, v से भी कैंसिल हो गया था x dv / dx, इधर क्या बच गया, रूट अंडर वन प्लस भी स्क्वायर, ठीक है। अब आप बुआ से यहाँ पर आपको सेपरेट करना होगा, ठीक है। सेपरेट करने का मतलब भी वाला को एक तरफ लाइए और एक्स वाला को एक तरफ, डीएक्स को आप उधर ले जाइए और इसको बट्टा में ले आइए, तो डीवी बट्टा रूट अंडर वन प्लस भी स्क्वायर, और डीएक्स इधर आएगा बुआ, तो डीएक्स और गुना में एक्स तक कहाँ आ जाएगा, बट्टा में एक्स। क्या ये सेपरेट आपको समझ में आ गया, तो जैसे ही सेपरेट हो जाए ना तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लीजिएगा। और अब आप याद कीजिए, आपको याद करना होगा एक फॉर्मूला 76, और 76 में आप याद कीजिए आपको ये बताया गया था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला। तो अगर ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पर आपको वही वाला यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था, लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये और प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपको यहाँ यूज करना है, अगर ये न समझ में आया तो इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं इस तरह से, रूट अंडर पहले लिख देते हैं वी स्क्वायर और वन है तो वन का स्क्वायर और डी, और इधर ही बेचारा डी एक्स बटा एक्स छोड़ देते हैं। अब आप बताइए क्या आपको ये दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके जैसा, तो ई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए, लॉग मोड एक्स, बट एक्स तो है नहीं बुआ सर, एक्स के जगह क्या भी है, तो भी प्लस रूट अंडर भी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये इसके जैसा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए का मान तो वन है तो वन स्क्वायर, इधर बताइए क्या लिख सकते हैं, लॉग मोड एक्स और प्लस के बाद बताइए सी जोड़े कि लॉग सी जोड़े, तो आपको बताया था बुआ सर कि अगर दोनों तरफ लॉग रहे तो आप इसमें लॉग सी ही जोड़ दीजिएगा, फायदा कर जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए लॉग सी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अब क्या कीजिएगा, इस y के भी के जगह y बटा x, यहाँ पर भी y बटा x रख के आप मान निकाल सकते हैं आगे, और नहीं तो हम आपको निकाल कर बताते हैं, ई वाला साइड को मिटाते हैं, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, तो इधर हम मिटा देते हैं ये सब पार्ट, अब बस आपको आंसर मिलाने के लिए आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें बुआ से, ये वाले बताओ, ये log c था ना, तो log m plus log n, तो ये लग सकता है, एक लाइन हम नीचे लिख लेते हैं पहले, log ये वाला देखिए भी है और भी का मान तो आप जानते हैं y बटा x प्लस रूट अंडर, यहाँ पर भी रख दीजिए तो y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस वन, और बराबर के बाद आप लिख सकते हैं log m प्लस n, तो log क्या होता है m इंटू n, इस तरह से log आप काट सकते हैं, तो काटेंगे तो गूगल से क्या बचेगा, देखो ये क्या बचा y बटे x प्लस, इसको आप चाहे तो भी का जोड़ अंदर बना लीजिए, तो क्या आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर
प्लस वर्स दिखेगा, एक्स स्क्वायर लघुत्तम आएगा, इसके बटा में कुछ न देखे तो वाई स्क्वायर प्लस ये गुना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर के बाद गौर से देख लीजिए, लॉग से लॉग तो कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा एक्स सी, चाहे इसको आप सी एक्स भी लिख सकते हैं, सही है ना बुआ साहब। आगे देखिएगा y बटे x प्लस, इसको आप देखिए स्क्वायर के मतलब स्क्वायर के अंदर दो हुआ है x, तो वो बाहर हो जाएगा, तो ऊपर लिख सकते इस तरह से y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और रूट से बाहर एक x, है ना। थोड़ा देर पहले बताए थे कि एक x बाहर है तो अगर अंदर लिखना हो रूट में तो लिख दिए थे स्क्वायर, और ये वाला बेचारा जस के तस। अब आप इसको भीम का जोर बना लीजिए एक लाइन और बढ़ाने के लिए, तो वाई प्लस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और बराबर के बाद cx, इसको आप एक लाइन और लास्ट के लिए बढ़ा सकते हैं, y प्लस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर x में इसे गुना कीजिएगा तो आएगा cx स्क्वायर, और यही आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा। और हो सकता है तो आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हूबहू आंसर भी आप लोगों को इतना ही संभवतः होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा लगा होगा, लेकिन अगर आप एक नंबर से लेकर पांच नंबर तक खुद से एक आध दो को भी बनाए होंगे तो आप लोगों को ये वाला आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को जटिल टाइप का दिखा होगा, तो आप लोग हो सकता है देखिए के छोड़ दिया होगा, ठीक है। देखिए ये सवाल है आप लोगों का, x cos y by x plus y sin y by x into y dx और बराबर के बाद है y sin y by x minus x cos y by x x dy। तो सबसे पहले तो हमको dy by dx निकालना होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा y बटे x के रूप का है, तो आप प्रयास कीजिए पहले dy by dx निकालने का। तो कैसे निकालेंगे गौर से देखिए, इसमें dy है तो पहले क्या कीजिए, इस लाइन को ना एक लाइन इसको उलट दीजिए, ठीक, इसी को एक बार उलट लेते हैं, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप dy by dx निकालने के लिए क्या कीजिए, ई dx को ना आप इधर भेज दीजिए, आई सारा भाई जो ना आप इसके बटा में भेज दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिए, ये पूरा बटा में इधर लाइए, तो ये वाला बेचारा जस के तस x cos y बटे x प्लस y sin y बटे x इस तरह से, और ये y छोड़ दीजिए और dx को आप उधर भेज दीजिए। तो सोचिए dx को जैसे इधर भेजेंगे तो इधर से पहले क्या है dy तो पहले से है ये है, और ये जो बट्टा में dx है मतलब गुना में dx है, ये कहाँ जाएगा बट्टा में, तो इधर आके dx हो गया। लेकिन सोचिए आप सोच रहे हो सर ये सब कहाँ गया था, ये सब पूरा जो टर्म ना इसको हम बट्टा में लाएंगे, इसके बट्टा में यहाँ, तो ये वाला पूरा टर्म को लिखिए आप ब्रैकेट में अच्छा से, y sin y upon x minus x cos y बटे x और ये वाला इंटू में ये वाला x, तो इंटू में x कि ठीक है। क्या आप लोगों को ये dy by dx समझ में आया हुआ सर, तो अब dy by dx इसी को आप उलट के भी लिख सकते हैं, एक लाइन लिख दीजिए ऐसे dy by dx बराबर, गौर से देखिएगा ये आपका मेन ब्रैकेट ऊपर में आपको यही चीज लिखना है। तो अब रही बात कि इसको y बटे x के रूप में कैसे लिखे, तो y बटे x के रूप में लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, ऊपर में भी आपको x से भाग देना होगा और नीचे में भी आपको x से भाग देना होगा। फिर से बताते हैं, इस पूरे टर्म को क्या करना है y बटे x के रूप में लिखना है और इसको भी हमको y बटे x के रूप में लिखना है। तो आप क्या कीजिए, सब में आप y देखिए y तो है, तो y है इसका मतलब बटा में x चाहिए, तो आप क्या कीजिए इस पूरे लाइन में आप x से भाग दे दीजिए। फिर आप सोचिए ये वाला x तो आपका बर्बाद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ y है तो इसके बटा में x आना चाहिए, तो इसमें भी आप x से भाग दे दीजिए, तो ऊपर में भी x से भाग और नीचे में भी x से भाग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो पहले क्या बोले, इसमें आपको x से भाग देना है और ई वाला x तो एक में लटका देंगे, तो x से भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, cos y बटे x प्लस इसमें भी आप x से भाग दीजिएगा तो y बटे x sin y बटे x इस तरह से ब्रैकेट, और फिर सोचिए इसमें भी हम बोले x से भाग देने के लिए, तो ये ब्रैकेट में लिख, और ये वाला बेचारा y को y अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आप x से भाग दीजिए तो यहां पर x से भाग दीजिएगा तो y बटे x sin y बटे x माइनस, इसमें अगर x से भाग दीजिएगा तो ये x गया घरे, तो cos y बटे x और इस तरह से, और ये बेचारा अभी x जस के तस है। अब बराबर के बाद आपका नहीं, बराबर के बाद क्या, बराबर वाला तो इधर आप लिख ही दिया है dy by dx। अब आप सोचिए कि आपको ये सब y by x दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, बट ये वाला तो नहीं दिख रहा है y by x, तो इसको ना आप ये x जो बटा है मैंने इसको आप यहाँ पर y by x लिख सकते हैं। तो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं कि आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by dx बराबर, होगा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में तो ये बेचारा हो गया cos y बटे x प्लस y बटे x sin
वाई बटे एक्स, और ये ब्रैकेट के बाद ई वाला जो बट्टा में एक्स है ना, एकरा बट्टा में लिख देते हैं वाई बटे एक्स ऊपर में, और बट्टा में ई वाला पूरा बेचारा उतार दीजिए, तो वाई बटे एक्स साइन वाई बटे एक्स माइनस कॉस y बटे एक्स, और ये अब इस तरह से e वाला x तो ऊपर चला गया, तो यही दुगुना बचेगा, तो बस जस के तस, और इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, हो सकता है आप लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए कि हम प्रयास किए कि dy by dx निकाले के, तो dy by dx निकालने के लिए सोचिए dy इधर है ना, तो ये जो पूरा में गुना में है ना, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो इधर आएगा तो पूरा पार्ट इधर बटा में आ जाएगा, और ये जो dx था ना, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो जैसे ही dy इधर था और ये पूरा पार्ट जो है इधर आ गया बटा में, और ये dx इधर आ गया, तो dy by dx निकल गया। लेकिन dy by dx निकल गया, लेकिन ये सब जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है ना, तो गौर से देखिए, ये y by x दिख रहा है, ये y by x दिख रहा है, बट ये ना दिख रहा है, और ये x हटना चाहिए, और यहाँ पर आपको x आइए, इसीलिए हम क्या किए, इस पूरे लाइन में ना x से भाग दिए, फिर जैसे ही आप ऊपर में भाग दीजिएगा तो आपको नीचे में भी भाग देना होगा। तो देखिए, इस लाइन में x से भाग देते, ये x x तक कट जाएगा बहुत, तो सीधा cos y by x, इसमें x से भाग देंगे तो y बटे x, और ये बेचारा जस के तस, और ये बेचारा जस के तस। आगे देखिएगा, नीचे आपको क्या बोले, इसमें भी आपको x से भाग देना, तो इसमें भाग देंगे तो y बटे x, ये बेचारा जस के तस, इसमें जैसे भाग देंगे x से तो x कट जाएगा, तो डायरेक्ट cos y by x, और ये वाला बेचारा अभी x जस के तस है। क्या कीजिए, ये देखिए, इस सबको देखिएगा ना, तो y by x रूप में दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा, तो इस बटा में जो x है, इसके बटा में लिख दीजिए y बटे x, क्योंकि फिर तो बटा में ये आ ही जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आप लोग को ये स्पष्ट दिख रहा होगा y बटे x, 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 और y बटे x, तो सारा क्वेश्चन आप लोगों का y बटे x के रूप में आ गया। तो अब आप बताइए कि आपको याद होगा कि जैसे ही y बटा x के रूप में आ जाता है तो आप क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं बोगा सा ना, y बटा x बराबर v, याद आ रहा ना, अब आप करते क्या, इसको आप क्या लिखते हो, y बराबर vx इस तरह से, और इसको आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करके आप क्या लिखते हो, y बराबर v प्लस dy बटा x बराबर v प्लस x dvy dx, और इसको आप समीकरण दो मान लेते हैं, और इस मान को आप बारी बारी से इस समीकरण एक में रखते हैं। तो चलिए हम भी रखते हैं, उससे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, तो मान रखते हैं, उससे पहले ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको आपको डिलीट कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये वाला टर्म को नहीं मिटाएंगे क्योंकि मेन यही है। तो अब हम लोग लिखते हैं बुआ से समीकरण एक से, समीकरण एक से देखिएगा, ये आप लोग के पास dy by dx है ना, तो dy by dx का मान ये वाला रख दीजिए, कितना v प्लस x dv बटा dx बराबर के बाद ये वाला टर्म को गौर से देखिएगा, यहां पर आप क्या रखिएगा, y बटे x है, तो y बटे x को तो आप v माने, तो लिख दीजिए डायरेक्ट cos v प्लस, और ये देखिए y बटे x है, तो इसके चलते हम डायरेक्ट लिखेंगे v, और साइन के बाद ये y बटे x है, तो साइन v, और इंटू में भी है कुछ, तो इसको आप ब्रैकेट घेर के लिखिए, और ये भी y बटे x है, तो इसको भी लिखिए v, और बटा गौर से देखिएगा, ये y बटे x है, तो इसको लिखिए v, साइन y बटे x है, तो साइन v माइनस, कोई घंटी बजा रहा, रुकिए, चलिए घंटी बंद हो गया। देखिए, तो आप क्या करते हैं, y by x को बोला भी लिख दिए, ये साइन भी रहेगा, और ये cos क्या है, y by x है ना, तो इसको भी आप लिख दीजिए cos भी, ठीक है, क्या आप लोग को ये बात समझ में आए। देखिए, मेन जो होता है ना, यही प्रोसेस होता है y बटा x के रूप में लाना, और इससे भी अगर आप लोग को ये डाउट भारी लगता हुआ ना, तो आप क्या कीजिएगा, शुरू में आप मान लीजिएगा ये वाला y बराबर vx, और जहां जहां आपको y दिखेगा ना, वहां पर आप vx पुट कीजिएगा, उससे भी आप कट कुट के आपका यह वाला फॉर्म आएगा, आप उससे भी करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए बउआ सर, ये बोला पूरा जो टर्म है सब भी के रूप में है, लेकिन एक और यहाँ पर भी है, तो इस प्लस भी को ना आप राइट साइड भेज दीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो x dv by dx बराबर ये प्लस भी उधर आके माइनस भी, तो पहले आप इस v से गुना कर लीजिए, तो v cos v प्लस v में v से, तो v स्क्वायर sin v, और बटा में ये वाला बेचारा v sin v माइनस cos v, और ये प्लस v जो था इधर आके माइनस v, बाकी सबको बोगा सब डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए इसको अच्छा से, देखते रहिएगा आप लोग, इसको डिलीट कर दिए तो आप बताइए, इसी को आपको एक्सपेंड करना है अच्छा से, dv by dx बराबर, इसका एलसीएम निकालिए ठीक से, बटा में कुछ ना तो एक देकर, इसका लघुत्तम तो सेम ही रहेगा, v sin v माइनस cos v, और अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही रहेगा, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v
माइनस आप बउआ से ध्यान दीजिए इसमें जब गुना कीजिएगा ना भी से तो ध्यान से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा भी साइन डी पहले से तब भी स्क्वायर साइन डी फिर से देखिएगा इस भी से इसमें गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर साइन भी आएगा ना अब माइनस यहाँ है माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस अब भी में कॉस भी से तो क्या होगा भी कॉस इस तरह से और बटा नहीं बेचारा जस के तस क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप गौर से देखिए कोई कटने वाला ये बर्बाद होने वाला है। अब आप देखिएगा ध्यान से एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर बउआ से सोचो भी कॉस भी और यहाँ पर भी कॉस भी है तो ए गो भी कॉस भी और एक और भी कॉस भी तो कै गो भी कॉस भी दू गो तो लिख दीजिए टू भी कॉस भी आप बटा में सब बेचारा जस के तस टू भी साइन भी माइनस कॉस भी ये वाला। अब आपको करना क्या होगा वेरिएबल को सेपरेट करना होगा मतलब भी वाला को एक तरफ और एक्स वाला को एक तरफ तो लाइए डीवी बटा ये पूरा पार्ट को इधर ले आइए तो आप चाहे तो टू को उधर भी छोड़ सकते हैं ये पूरा भी वाला टर्म को ले आइए तो भी क्या है भी के बाद क्या है कॉस भी तो भी कॉस भी और बटा में हुआ क्या है भी साइन भी माइनस कॉस भी ये थोड़ा सा जटिल टाइप का ध्यान देते रहिएगा ये डी एक्स इधर आएगा तो टू तो था बउआ सा तो टू डी एक्स और गुना में एक्स तक कहाँ जाएगा बटा में एक्स। एक बार फिर से समझा दे कि पूरा पार्ट को इधर लाए बट टू को हम उधर छोड़ दिए मानवता तो इधर भी ला सकते थे लेकिन टू कहला इधर लाइएगा उधर छोड़ दीजिए तो टू छोड़ दिए डी एक्स उधर आ गया एक्स बटा में आ गया। अब आप देखिए अब आपको बनाने के लिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्योंकि आपको छोटा सा अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होगा बस आपको क्या करना है इसको पलट देना है और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है तो हम ऊपर वाला से मिटा देते हैं थोड़ा सा आप लोग को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से कि अब हम क्या करते हैं इसको पलट लेते हैं इसको पलट जाएगा ना जो भागा में गुना में जाएगा तो पलट जाएगा तो क्या होगा भी साइन भी माइनस कॉस भी और बटा में क्या आ जाएगा भी भी कॉस भी ठीक है। हवा भी आज जोर के ले भी कॉस भी और ये बेचारा डी भी और बराबर के बाद क्या हुआ सर टू डी एक्स और बट्टा एक्स। देखिए ये भाग में थी गुना में जाएगा तो पलट जाएगा ना पलट जाएगा तो जैसे आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए क्योंकि सेट हो चुका है। अब आप इंटीग्रेशन करने के लिए बताइए इसमें भी लटका दीजिए इसमें भी लटका दीजिए तो इसमें लटकाइएगा तो क्या आएगा भी साइन भी बट्टा में भी कॉस भी ठीक है भी और माइनस इसमें भी लटकाइए तो कॉस भी बट्टा में भी कॉस भी इस तरह से ठीक है। और डी भी बेचारा रहेगा टू कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए डी एक्स बट्टा एक्स ऐसे। अब आप बताइए बुआ सा ये भी से भी कट जाएगा और ये कॉस से कॉस कट जाएगा ना तो बताइए साइन के बट्टा में कॉस इसका मतलब क्या आएगा टैन भी माइनस ये क्या बचेगा वन ये भी तो बचेगा ना तो वन बट्टा भी और डी भी इस तरह से ये टू के टू छोड़ दीजिए और डी एक्स बटा एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस लाइन से तो अब आप बुआ से बताओ कि टैन भी का इंटीग्रेशन पता है क्या आप लोगों को तो टैन भी का इंटीग्रेशन दो होता है सेक में होता है और एक कॉस में होता है तो चलिए सेक वाला ही लगाते हैं तो लॉग मोड सेक भी और माइनस वन बटा भी को तो आप लिख ही सकते हैं लॉग मोड भी और टू के टू लॉग मोड एक्स और प्लस में आप बताइए सी जोड़े की लॉग सी जोड़े तो लॉग सी जोड़िएगा तो ज्यादा लॉग सी क्योंकि दरवाजा बंद कर लेते हैं आवाज तेज चल रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा नीचे वाला को मिटा देते हैं। चलिए अब आगे बताइए तो बुआ सा आंसर मिलाने के लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको आप क्या कीजिए लॉग एम माइनस लॉग एन पर तोड़ दीजिए तो ये बटा में आ जाएगा सेक भी बटा भी और इधर ये टू को ना इसके माथा पर छरपा दीजिए तो ऐसे लिख दीजिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। ऐसा क्यों लिखे से पता है लॉग एम के पावर है पावर पर लिख देते फिर तो बाहर आ ही जाएगा। अब आप बताइए लॉग सेक भी बटा भी और ये लॉग एम प्लस लॉग एन पर तोड़ सकते होगा सर तो एक्स स्क्वायर इन टू सी लॉग से लॉग को बर्बाद कर लीजिए तो आगे आप लिख सकते हैं सेक भी बटा भी बराबर ये क्या है सी एक्स स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ाते हैं बुआ से गौर से देखिए ये भी है तो भी को ना इधर गुना कर दीजिए तो क्या लिख सकते हैं सेक भी बराबर सी एक्स स्क्वायर इंटू भी ठीक है। एक लाइन आंसर और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम इसको साइड कर लेते हैं गौर से देखते रहिएगा। अब बताइए ये भी है ना और यहाँ पर भी है तो भी का मान क्या रख सकते हैं वाई बाई एक्स ना बुआ तो इस सेक भी सेक वाई बाई एक्स बराबर
सी एक्स स्क्वायर गुना, और ये भी है और भी का मान क्या लिखेंगे तो वाई बटे एक्स, एगो एक्स एगो एक्स कट जाएगा, आंसर आपका आएगा सेक वाई बटे एक्स बराबर सी एक्स और वाई, सी एक्स वाई, ये रहा आप लोगों का राइट आंसर। अगर मान लीजिए कि आपको सेक में आंसर ना हो, कॉस में हो, तो आप क्या कीजिएगा इसको ना एक बटा कॉस करके क्रॉस गुना कर लीजिएगा, ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हैं या आप यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और आप लोगों का समय भी ज्यादा लग गया होगा, फिर भी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। Y बटा x छोड़ दीजिए। तो देखिए ये अभी y dy by dx तो नहीं निकला है क्योंकि ये वाला x तो बुआ से इधर भेजना होगा, तो चलिए इसको भेज देते हैं। तो dy by dx बराबर ex को इधर भेज दीजिएगा तो y के बट्टा में आएगा तो y बटे x, और ये इसके बट्टा में आएगा तो x x तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए sin y बटे x और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या आप लोगों को ये मेरा बात समझ में आए, ये आसान है, आराम से समझ जाइएगा। क्या किए हैं, माइनस में वाई इधर आके प्लस में, प्लस एक्स इधर आके लो, गड़बड़ा दिए, प्लस था तो क्या हो जाएगा बुआ, माइनस हो जाएगा ना, बिल्कुल ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था तो प्लस और ये प्लस था तो माइनस, यही सब छोटा छोटा मिस्टेक आप लोग को ध्यान देना है, ठीक। अब चलिए तो x बटा में लटका दिया, अब बताइए समीकरण इसको एक मान लीजिए, अब आप क्या कीजिए इसको पुट कर लीजिए, y बटा x को, y बटा x को आप v मान लीजिए, इसको आप क्रॉस गुणा कीजिए, तो y बराबर vx, आपको अब याद हो गया होगा कि इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं बुआ सर, dy / dx बराबर v प्लस x dv / dx, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इस मान को समीकरण 1 में हम लोग बैठाते हैं। तो बैठाने के लिए थोड़ा सा हम इस कैमरा को साइड कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इधर बैठाते हैं, बुआ सर दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, दिख रहा है ना, इधर बैठाते हैं, देखिए समीकरण 1 से लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो गौर से देखिए समीकरण 1 तो आपको यही है, dy / dx की जगह इतना बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे v + x dv / dx बराबर के बाद ये y / x, और y / x को तो आप कुछ माने हैं v, तो लिखेगा v माइनस, माइनस के बाद ये क्या लिखेगा sin, और बहुआ से बताइए ये y / x है तो sin की जगह आप v ही लिखेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए कोई कट्टे उट्टे वाला है क्या, तो बिल्कुल ये वाला बाजू बर्बाद होने वाला है तो बर्बाद कर दीजिए इसको। अब आप बताइए कि क्या बचेगा, इधर बचेगा x dv / dx और इधर बचेगा माइनस में sin v। अब आपको बस करना क्या है, सेपरेट कर देना है, मतलब v वाला को एक तरफ और x वाला को एक तरफ, तो चलिए ले चलते हैं इसको ऐसे dv और बटा में देखिए माइनस को ला भी सकते हैं माइनस को छोड़ भी सकते हैं, तो सोच लीजिएगा कि माइनस से पहले बताइए इधर आएगा तो साइन भी और इधर माइनस को आप छोड़ दीजिए तो dx और बटा में x, देखते हैं कि माइनस इधर लाना है या नहीं लाना है, वो डिपेंड करेगा इसके इंटीग्रेशन पर। तो साइन ऊपर जाएगा तो होगा बताओ क्या होता है कॉसेक होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक भी dv और माइनस एक्स को आप उधरे छोड़ दीजिए माइनस को, ठीक है, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर लीजिए जब सेपरेट हो जाए तो आप लोग बताइए कि कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या किसी को याद है क्या, तो कॉसेक का इंटीग्रेशन दो गो होता है, नहीं एक ही गो होता है, क्योंकि जो आपको बताया गया था टैन का दो गो, कॉट का एक गो, सेक का एक गो और कॉसेक का भी दो गो बताया गया होगा, लेकिन ये गो जो फॉर्मूला हुआ यूज नहीं होता है, आप लोग को याद होना चाहिए लॉग मोड कॉसेक भी माइनस कॉट भी और बराबर के बाद क्या है दिख रहा है माइनस में लॉग मोड एक्स और प्लस में क्या जोड़ेंगे लॉग सी जोड़ेंगे, ठीक है, लॉग क्या जोड़ेंगे लॉग सी जोड़ेंगे। अब आपको बता दें कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो ऐसा क्या लिख सकते हैं लॉग मोड कॉसेक को आंसर मिलाने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चाहे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे कि भी के जगह वाई बाई एक्स, भी के जगह वाई बाई एक्स और ये लॉग एम इंटू एन लॉग से लॉग काट करके आंसर लिख सकते थे, लेकिन आंसर मिलाने के लिए हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि कॉसेक को आप क्या लिखे बुआ वन बाई साइन और कॉट को लिख दीजिए कॉस बाई साइन बराबर के बाद ये देखिए प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं लॉग मोड सी और माइनस के बाद लॉग मोड एक्स इस तरह से। अब आपको बताइए इसको आप भी नून के जोड़ घटाव बना लीजिए लघुत्तम साइन भी, लघुत्तम साइन भी तो ऊपर में बचेगा वन माइनस कॉस भी, दिख रहा है ना
नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे कर, ठीक है। अब आप बताइए इधर क्या बचेगा, इधर आप लिख सकते हैं लॉग एम बटा एन तो सी बटा एक्स, लॉग से लॉग को आप काट सकते हैं, काटने के बाद आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए काटते हैं, तो देखिएगा बहुत सा काट के हम क्या लिख सकते हैं, यहां से थोड़ा सा समझिएगा ये वाला पार्ट उधर, देखिएगा काटेंगे तो लॉग से लॉग क्या बचेगा, वन माइनस कॉस भी बटा साइन भी बराबर सी बटे एक्स। इसको आप चाहे तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे इस तरह से, तो x में इधर से गुना कर सकते हैं x में इससे, तो x इंटू वन माइनस कॉस डी बराबर c में साइन डी से, तो c साइन डी, c साइन डी। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, बस कुछ नहीं थी, v के जगह आप y बटा x लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करके हम आंसर लिख ही देते हैं, x वन माइनस कॉस y बटे x इस तरह से, और बराबर के c साइन और y बटे x, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगा, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा एक बार खुद से इसको बनाने का। अगर आप लोग खुद से एक बार बनाइएगा ना, तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखते हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ सकता है कि y dx plus x log y by x dy minus 2x dy बराबर 0। तो थोड़ा सा इसमें गौर से देखिए कि आपको dy dy दो जगह दिखाई दे रहा है, तो आपको देखते हैं इसको आगे पहले बढ़ाते हैं कि y by x दिख रहा है, बट ये y by x के रूप का है या x बटे y के रूप का है, पहले इसको चेक करना होगा। तो देखिए पहले क्या कीजिए, आपको dy by x, तो इसकी दोनों पार्ट को आप राइट साइड भेज दीजिए, तो y dx ये प्लस में, या इसी को पहले भेज दीजिए, तो माइनस में 2x इधर आएगा, तो प्लस 2x dy, और इधर ये प्लस में इधर आके माइनस x log y बटे x इस तरह से, और ये बेचारा dy रहेगा। आगे देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, y dx बराबर, आप चाहते हैं दोनों में से dy कॉमन ले लीजिए, तो dy कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, होगा सही है 2x माइनस x log y बटे x और इस तरह से। अब आप सोचिए यहां से आपको सोचना क्या है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, बड़ा तो टर्म यह है बउआ, तो आप क्या कीजिए, आप सोचिए अगर इसको बटा में भेजिएगा ना, तो छोटा के बटा में बड़का आ जाएगा, तो इसीलिए आप इस बार y बटे x ना निकाल के x बटे y निकाल लीजिए, तो आपको इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं dx बटा ये dy इधर ले आते हैं, तो dy और ey को ना इधर भेज देते हैं, तो क्या लिखेंगे गौर से देखिएगा, 2x माइनस x log y बटे x इस तरह से, और बटा में आ जाएगा आपका y। क्या आपको यहां तक मेरा बात समझ में आया, तो ये जो फॉर्म है ना dx बटा dy जो फॉर्म दूसरा पर है, बट आपको ध्यान दीजिए कि यहां dx बटा dy आ गया है, बट ये y बटा x है, तो इस y बटे x को भी आपको x बटे y के रूप में लिखना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप क्या कीजिए, इसको लटकाइए, तो देखते रहिएगा थोड़ा सा ध्यान देकर, इसको लटकाएंगे तो हुआ क्या आएगा, 2x के बटा में y, इसके बटा में लटकाएंगे तो x बटे y log y बटे x ये है, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से कि dx बटा dy बराबर, देखिए हम क्या किए, इसमें भी लटका दिए, इसमें भी लटका दिए, तो लटक के तो अलग हो गया, लेकिन आप सोचिए ये तो आपको दिख रहा है कि x बटे y है, ये तो आपको दिख रहा है कि x बटे y के रूप का है, बट ये तो x बटे y के रूप का नहीं है ना, तो आपको करना क्या हुआ, इस y बटे x को ना आपको x बटे y के रूप में लिखना होगा। कोई घंटी बजा रहा है, बंद करवाते हैं। चलिए तो देखिए आगे देखते हैं इसको, log y by x है ना बउआ सर, तो आपको करना क्या होगा कि इस y बटे x को x बटे y में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक बात समझते हैं, ये log ये y बटे x है ना, इसको लिख देते हैं हम x बटे y अब पावर में माइनस वन। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि ना, कि x बटे y के पावर माइनस वन है, तो ये फिर माइनस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर उलट जाएगा, ये वाला याद है, जैसे इस तरह से x बटा y रहेगा ना पावर में माइनस वन, इसका मतलब ये हो जाता है y बटे x, ये फिर माइनस वन का मतलब एक एक के बटा में लाएंगे तो ये उलट जाएगा ना, तो वही काम क्या किए, y बटे x को हम क्या लिख दिए, x बटे y के पावर माइनस वन। और एक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए कि log m के पावर n वाला जो रहता है कहां आ जाएगा, बाहर, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो dx बटा dy बराबर 2x बटे y माइनस, और ये वाला माइनस यहां बाहर फेंकेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x बटे y और इनटू में log x बटे y, और इसको आप समीकरण एक मान लीजिए।
एक बार फिर से आपको बता दें, क्या ये पूरा x बटे y के रूप का आ गया है? अगर आ गया तो ये फॉर्म नंबर 2 पर है, जो आप लोगों को एक एग्जांपल हमने बताया भी था। तो इसको हम बताएंगे, एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, हो सकता है किसी को डाउट रह गया होगा। देखिए, पहले हम क्या किए, y dx छोड़ दिए, ये माइनस में था इधर आके प्लस में, ये प्लस में था इधर आके माइनस में। अब हम क्या किए, इस dy और dy से कॉमन ले लिए, तो बचेगा 2x, x log इतना। तो क्या किया हम निकाले, इस बार dx और बटा में dy, इसको बटा में भेज दिए। तो क्या है, पूरा टर्म बढ़ता इधर है और ये गुना में x, तो बटा में x आ गया। सोचिए अगर यही हम dy by dx निकालते ना, तो छोटका के बटा में बड़का आता, तो आपको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन यहां से आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम dx बटा dy में लाए हैं, ताकि बड़का में छोटका से आप आसानी से भाग दे सकते हैं। तो इसीलिए इसमें लटका दीजिए, इसमें लटका दीजिए, दोनों में लटका दिए। लटकाने के बाद देखिए, ये x बटे y दिख रहा, बट ये x बटे y नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए इसको हम क्या किए, x बटे y टू द पावर माइनस 1 लिखे, क्योंकि ये फिर पलटी मारेगा, माइनस हटाएंगे तो फिर इतना आ जाएगा, बट माइनस हटाइए नहीं, log m के पावर n लगाइए, तो ये माइनस पावर जो है कहां आ जाएगा, बाहर, तो ये माइनस फेंकेगा यहां, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस x बटे y log x बटे y। तो क्या ये y x बटे y के रूप में आ गया? तो फॉर्म नंबर 2 पर है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो इसको ऊपर से मिटा देते हैं और ये वाला टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, वो ऐसा ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या, देखिए ये x बटे y के रूप में आया है ना, तो इस बार आपको दूसरा नंबर रूप लगाना होगा, तो आपको पुट इस बार करना होगा x बटे y बराबर v, x बटे y बराबर क्या मानना होगा, v, और ये दूसरा रूप का क्वेश्चन है, तो इसको आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं, तो x बराबर v y लिखिएगा, x बराबर क्या लिखिएगा, v y, और इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो याद रखिएगा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, और वह इसलिए क्योंकि x है तो dx, और बटा में आपको dy चाहिए, देख लीजिए आपको dx बटा इस बार dy का मान चाहिए, इसलिए आपको इसको y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो पहला बार दूसरा डिफरेंशिएशन तो 1, और दूसरा बार और पहला डिफरेंशिएशन इस तरह से y के रेस्पेक्ट में, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है तो इसको इवन टू भी पर तोड़िएगा, तो इतना आराम से आ जाएगा। अब इस मान को आपको इस समीकरण 1 में रखना है, तो रखते हैं ध्यान से, देखिएगा समीकरण 1 से, तो देखिए ये dx बटा dy है ना बुआ सा, तो dx बटा dy के मान ये रखिएगा, तो क्या रखिएगा, v प्लस y dv बटा dy बराबर के बाद गौर से देखिए इसमें रखिए, तो 2 के 2, और ये x बटे y है ना, तो x बटे y को तो आप कुछ माने थे भी, तो लिखिए 2 भी, सही है, और प्लस, और ये क्या है x बटे y, और x बटे y को भी आप भी माने थे, तो लिखिए भी, और ये बेचारा log के log रहेगा, और ये देखिए क्या है, भी है ना, क्योंकि x बटे y है, इसके चलते लिखिए भी, सही है। अब आपको बस इसी को इंटीग्रेशन करके सेपरेट उपरेट करके बनाना, एक दो लाइन आगे बढ़ाते हैं, प्लस भी इधर ले चलिए, तो y dv बटा dy बराबर 2v प्लस v log v प्लस v इधर आके बोलूंगा माइनस v। अब निचला को मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम समाप्त है, और बस आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा भी dv बटा dy बराबर बुआ, देखिए दो को भी में से एक को भी को घटा लो, तो एक को भी बच जाएगा, तो v प्लस log v इस तरह से। अब आप बताइए, लिखिए यहाँ गलती लिख दिए, यहाँ y है तो y लिखेंगे, और आप बताइए दोनों में से कॉमन क्या होगा बुआ सा, इसमें से कुछ कॉमन होगा क्या, तो कॉमन हो जाएगा भी, तो क्या बचेगा 1 प्लस log भी इस तरह से। अब आप बताइए, अब इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये गुना में है ना पूरा पार्ट, इसको बटा में भेज दीजिए, तो dv के बटा में क्या आएगा, v इंटू 1 प्लस log भी, और ये dy को ऊपर ले चलिए तो dy, और y को नीचे ले चलिए तो dy, यहां तक सही है बुआ सा, y बटा में आ गया, एक बार फिर से ये दोनों में से भी कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 प्लस log भी, और गुना में था तो बटा में आ गया, और ये dy ऊपर गया और y गुना में था तो बटा में आ गया। अब आपको दोनों तरफ सेपरेट हो गया है, तो सेपरेट हो जाते हैं, इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, और इंटीग्रेशन लगा दिए हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए आप लोग बताइए कि v * 1 + log v का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर में सीखा होगा 7.2 में ही, खास करके ये सवाल था कि अगर आप इस भाई जो को t मानिएगा ना बुआ सा, 1 प्लस log v को t मानिएगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 / v आ जाएगा, कैसे, 1 का 0 और log v का 1 / v, तो सोचिए इस पूरे पार्ट को हम t मानेंगे तो ये आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो 1 / t का हम डायरेक्ट लिखते हैं बुआ सा, इधर से क्या लिखेंगे, log mod
टी, फिर से समझिएगा, इस पूरे पार्ट को टी मान लेते, ये कट जाएगा तो वन बाई टी कट जाएगा तो वन बाई टी, और वन बाई टी का क्या लिखते हैं लॉग मोड टी, टी किसको माने ये वाला पार्ट को, तो लिखेंगे वन प्लस लॉग बी, इस तरह से, फिर से समझिएगा लॉग टी और टी के जगह इतना बराबर के बाद बुआ से बताइए वन बटे वाई का क्या होगा, लॉग मोड वाई प्लस में सी ना जोड़ के क्या जोड़ेंगे लॉग सी, ये अभी बताए थे कि कब सी जोड़ते हैं कब लॉग सी जोड़ते हैं, जब दो गो लॉग रहे तो आपको लॉग सी जोड़ना है, तो आगे बढ़ाते हैं देखते रहिएगा थोड़ा सा इधर ही, लॉग वन प्लस लॉग भी और इसको लॉग एम प्लस लॉग एम पर तोड़ लीजिए तो ये इंटू में आ जाएगा, तो वाई इंटू सी, लॉग से लॉग को बर्बाद कर लीजिए, लॉग से लॉग को आप बर्बाद कर लीजिए तो क्या बचेगा वन प्लस लॉग भी बराबर सी वाई, आगे आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप चाहे तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, इस भी का मान आप रख दीजिए वन प्लस लॉग और भी का मान हुआ सर एक्स बटे वाई इस तरह से और बराबर के बाद सी वाई, लेकिन अब रही बात कि यहाँ एक्स बटे वाई में अगर आपका आंसर नहीं होगा तो आपको करना क्या होगा, फिर से आपको वाई बटे एक्स के रूप में ले आना होगा, तो एक लाइन फिर से आपको याद कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस log x बटे वाई है तो इसको लिख सकते हैं y बटे x टू द पावर माइनस वन बराबर सी वाई, याद आ रहा है ये वाला टर्म कि आपको जस्ट बताए थे ना कि x बटा वाई इसको उलट देंगे तो माइनस वन, ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं वन माइनस log y बटे x बराबर सी वाई, और ये रहा आप लोगों का राइट आंसर, तो ये आप लोगों को बुक में आंसर समाप्त मिल जाएगा, और अगर आप चाहते तो यहाँ तक भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशानी हुआ होगा, तो एक बार आप लोग वीडियो को फिर से अगर आप देख लीजिएगा तो आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, और खुद से आप एक बार जरूर बनाइएगा, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों का ये 10 वो क्वेश्चन जो है आप लोगों का 1 से लेकर 10 तक जो जनरल सोल्यूशन निकालना था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको देखकर भी आइडिया लग गया होगा कि ये x बटे y के रूप का है, सोचिए x बटे y, और इस क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है क्योंकि ये x बटे y के रूप में लिख कर ही दिया गया है, तो देखिए इसको हम वैसा ही करते हैं, ये वाला टर्म को लिख लेते हैं e के पावर x बटे y और इंटू में dx, सोचिए ये प्लस है ना बुआ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर x बटे y इंटू वन माइनस x बटे y और इंटू में ये वाला dy जस्ट के तक, आप प्रयास कीजिए dx बटा dy निकालें क्योंकि आपको x बटे y के रूप में स्पष्ट दिख रहा है, तो आप ऐसे लिख लीजिए dx ये वाला और dy को आप इधर खींच लीजिए तो dy इधर आ गया, अब आप सोचिए ये वाला पूरा टर्म को ना राइट साइड ही रखिए तो e के पावर x बटे y इंटू वन माइनस x बटे y और ये जो गुना में ये दिखाई दे रहा है इसको आप बटा में भेज दीजिए ऐसे, तो वन प्लस ई टू दी पावर एक्स बटे वाई इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, तो क्या आप देखिए क्या ये आपको ये दिखाई दे रहा है एक्स बटे वाई रूप में है ना, तो जैसे ही आपको दूसरा ये तो आप दूसरा फॉर्म पर है तो अभी आपको जस्ट जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताया था वैसा ही पुट करना होगा, एक्स बटे वाई बराबर भी मानेंगे तो बुआ बताइए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स बराबर भी वाई, इसको जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं डी एक्स बटा डी वाई, और इसको आपको अब याद हो गया होगा पहला बाहर दूसरा डिफरेंशिएशन तो वन और दूसरा बाहर और पहला डिफरेंशिएशन तो इस तरह से समीकरण दो मानते हैं, आप लोगों को ये जब बनाने लगेगा ना तो ये तो दुगाई ऐसे ही अंदाजे से आप लोगों को जल्दी से लिखा है लिखाने लगेगा, ठीक है, अब आप क्या कीजिए इस मान को बहुआ सा समीकरण एक में बैठाइए, चलिए हम भी बैठाते हैं आप लोग देखते रहिए समझते रहिए और मन से समझिए, ठीक है, तो चलिए यहां पर आप बैठाते हैं ये डी एक्स बटा डी वाई का मान भी प्लस y dv बटा dy बराबर कौन से देखिए ये माइनस e टू दी पावर ये x बटा y दिखाई दे रहा है बुआ सा तो x बटा y को आप क्या माने थे भी तो e के पावर भी 1 माइनस और ये भी x बटा y है तो x बटा y को तो भी लिखेंगे तो माइनस भी बटा ये वाला 1 प्लस ये e तो रहेगा और x बटा y यहां पर ये तो x बटा y के चलते भी तो e के पावर सही है, अब आपको बस करना क्या होगा इसी को सेपरेट करना है, पहले देखिए ये प्लस भी है ना इसको आपको इधर ले चलना होगा और तब जाकर आपको आगे बढ़ाना होगा, तो उससे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ऊपर से मिटा देते हैं बस इसी को लेकर चलते हैं तो आप आराम से बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से बस इसी को आपको बनाना है ध्यान से देखिएगा, इस प्लस बी को हम राइट साइड ले जाते हैं बुआ से देखो तो क्या लिख सकते हैं वाई डी भी बटा डी वाई बराबर ये प्लस बी इधर आके माइनस बी तो ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर भी इंटू वन माइनस भी
और बटा में हुआ 1 प्लस e के पावर b माइनस में भी बटा में कुछ होना था, क्योंकि प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। बस आपको इसको भीन के घटाओ तो अच्छा से बनाइएगा, माइनस प्लस नहीं गड़बड़ाइएगा, जोरे जोरे देखते रहिएगा। तो बताइए इसका एलसीएम क्या हुआ था, इसका एलसीएम तो हुआ सर सेम के सेम होगा, है ना, सेम का सेम होगा ना। अब आप बताइए तो ऊपर में आप क्या कीजिएगा, सेम सेम है तो इसको सेम सेम, लेकिन इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो माइनस ई के पावर भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस भी ई के पावर भी, फिर से इसमें गुणा की तो माइनस आई माइनस माइनस मिलकर प्लस भी ई के पावर भी। और देखिए इसमें आपको गुना करना होगा अच्छा से, ये वाला इसको जब गुना कीजिएगा एक में भी से तो माइनस भी, और इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस भी ई के पावर भी, ऐसे ठीक है, ये समझ में आए आराम से कि बस इसको एक से गुना किए तो इसको गुना करके जस के तस्ली दी, और इसमें गुना किए तो ध्यान से माइनस भी, और ये अभी माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस कटने वाला व्यक्ति यही है, कट दीजिए। y dv बटा dy बराबर, बोलो तो वह क्या बचा, माइनस में e के पावर भी और माइनस में भी और बटा में वन प्लस ई के पावर भी। अब आप सोचिए इसमें से माइनस सबसे अच्छा ना, आप कॉमन ले लीजिए, तो y dv बटा dy बराबर माइनस कॉमन लीजिएगा तब होगा क्या लिखेगा, e के पावर भी प्लस भी और बटा में वन प्लस ई के पावर भी। अब आप देखिए सारा टर्म भी वाला आ गया, इसको आप भी वाला इधर लाएंगे और dy को उधर ले चलेंगे, y को बटा में ले चलेंगे, तो यहां से भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं नीचे वाला को डिलीट कर देते हैं, आप लोग देखते रहिए। देखिएगा अब आप इसको सेपरेट कीजिए, बुआ से तो सेपरेट कीजिए तो बटा में लाइए, तो dv बटा माइनस उधर छोड़ दीजिए, बटा में लाइएगा तो e के पावर भी प्लस भी और बटा में क्या रहेगा वन प्लस e के पावर भी, और dy इधर ले चलिए तो माइनस dy अपॉन y, ये वाला y बटा में। जैसे ही आपको ये सेपरेट हो जाए तो आप उलट इसको उलट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो देखते रहिएगा इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं और ये वाला भाई जो पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या होगा वन प्लस ई के पावर भी बट्टा, देखिए ये भी आप लिख सकते हैं इस तरह से ई के पावर भी प्लस भी और डी भी बराबर माइनस है, तो माइनस तो आपको लिखना ही पड़ेगा डी वाई और बट्टा में वाई, दिखाई नहीं दिया थोड़ा सा इधर साइड कर लेते हैं, ये रहा आप लोग का, अब दिखाई दे रहा बुआ सर, अब देखिएगा गौर से, तो क्या किया पहले एक बार फिर से बता दें, ये पलटी मार गया तो पलटी मारा तो ये जस के तस रहा, तो अब आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करें, सोचिए सोचिए थोड़ा सा, अगर निचला को टी मारिएगा ना बुआ सर तो ऊपर का आ जाएगा, देखिए ई के पावर भी का ई के पावर भी होता और भी का क्या होगा वन, जैसे एक्स का कैसे वन होता है तो एक्स का वन इसको आप उलट भी सकते हैं, चाहे इसी को उलट दीजिए दोनों में से किसी एक को, तो इसको अगर टी मानिएगा ना निचला तो ऊपर का आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिखिए ना लॉग मोड टी, और टी तो यह वाला भाई जो को मानिएगा, फिर से समझा देते हैं, भी का वन होता है ई के पावर भी का ई के पावर भी रहेगा, तो इसीलिए लॉग मोड टी, और टी तो यही वाला है तो ये वाला पर लिख दीजिए जस के तस, और माइनस के बाद ये लॉग मोड वाई और प्लस के बाद क्या जोड़ते हैं होगा लॉग मोड सी, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, देखिए सही है। अब आगे बताइए क्या लिखेंगे, लॉग मोड ई के पावर भी प्लस भी बराबर, बताइए प्लस वाला को पहले लिखेंगे माइनस वाला को बाद में, तो लॉग एम बाई एन पर तो डायरेक्टली लिख देते हैं सी बटे वाई, इसलिए क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो ये पहले आ जाएगा, तो लॉग एम बाई एन, लॉग से लॉग को बर्बाद कर लीजिए, ई के पावर भी प्लस भी बराबर सी बटे वाई, इसको आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं बुआ से, क्रॉस गुना कर लो तो वाई इन टू e के पावर, और ये क्या है बुआ भी है, तो भी तो लव भी तो मिटा दिए, भी किसको माने थे x बटे y को ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप चाहते लिख सकते हैं x बटे y प्लस, यहाँ पर भी लिख सकते हैं x बटे y और बराबर के बाद ये c रहा, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर रहा। और अगर आपको एक लाइन और बढ़ाने का इच्छा है तो आप बढ़ा सकते हैं, इसमें y से गुना कर सकते हैं, इसमें आप y से गुना कीजिएगा तो y से y कट जाएगा, तो y e टू द पावर, चलिए हम भी लिख देते हैं, अगर आप हो सके तो अगर एक लाइन बढ़ाया हुआ होगा तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, y e के पावर x बटे y प्लस, इसमें y से गुना कीजिएगा तो y से y कट जाएगा तो x बराबर c, और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, मन होगा तो इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो एक बार मिला लीजिए कहीं गड़बड़ी ना ना, इसको x बटे y और ये c बटे y, तो ये बटा में y इधर आके गुना में हो गया, और बस आप इसको गुना कर दिए एक लाइन, तो इतना आप लोगों का आंसर आया। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर हम 10 तक बता दिए हैं, ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि ये जो एक नंबर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार दो बार खुद से इस सबको बना लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन भी अगर आप खुद से अपना से बना लेते हैं तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और परीक्षा में इस साल भी एगो 5 नंबर का सवाल पूछा है, आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोगों से बन भी जाएगा।
तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।